इंडियन ओशन विजन में एक बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत जो है वो फिलीपींस को मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम दे रहा है, जो बेसिकली एंटी शिप सिस्टम है। ये तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो ये मार्क कर सकता है। बड़ा एक सिस्टम है। और ये समझ लें कि जो इंडिया जो है वो अपने आप को जो एक ऑल्टरनेट टू चाइना वो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया ये कह रहा है कि हमसे वेपन जो है वो आप खरीदें। दिस इज वॉट इंडिया इज सेइंग। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिसी लेके आए थे सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिफेंस सेक्टर में, जिसको वो बोलते थे आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, जिसका मतलब है कि ये एक मिशन है अपने आप को सेल्फ रिलायंस का। अब भारत ने ये बेसिकली ये प्लान किया है कि वो फिलीपींस को ये वेपन्स जो है वो सिस्टम वो देंगे। अब अगर आप इसको देखें, ये तकरीबन 375 मिलियन डॉलर की डील है, जो के जिसे आप समझ लें कि ये एक इसको ब्रह्मोस शोर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। और मनीला जो है, जो कि कैपिटल है फिलीपींस का, वो बेसिकली अपनी वो जो डिफेंस एंड जो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना है उसके लिए वो ये कर रहा है। और सुनने में ये आया कि ये पहले ही ये डील हो जानी थी, लेकिन अभी ये डील हो रही है। अभी जो फिलिपाइन की जो डिफेंस नेशनल डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस है, उन्होंने ये एक 31 दिसंबर को इसका नोटिस ऑफ अवार्ड किया है कि ये जो बेसिकली ये इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इन्होंने। तकरीबन 290 किलोमीटर, आई थिंक 200 नॉटिकल माइल्स, जो मैयरमेंट समुद्र में चलती है, उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये जो चीज है, अगर आप फिलिपाइंस का मैप देखें या फिलिपाइंस को देखें, तो एक तरफ इसके जो है वो साउथ चाइना सी है, और दूसरी तरफ इसके फिलिपाइन सी है, ऊपर इसके ताइवान है, फिर इंडोनेशिया इसके नीचे है, फिर लेफ्ट में इसके जो वेस्ट में अगर आप चले जाएंगे तो आपको वियतनाम, मलेशिया और ये सारे ममालिक नजर आते हैं। तो बड़ा आइसोलेटेड सा ये इंडियन ओशन रीजन में ये एक मुल्क है समंदर के अंदर। और जो इसके प्रेसिडेंट रहे हैं डेट्रॉयट साहब, वो बड़े पॉपुलिस्ट लीडर समझे जाते हैं, जिन्होंने ड्रग्स के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ बड़ी एक्टिविटीज की हैं। अभी मेरे रिसेंटली चल रहा था कि उनकी बेटी शायद इलेक्शन लड़ेंगी, एज प्रेजिडेंट तो वो नहीं लड़ रही, वाइस प्रेजिडेंट का लड़ रही, बट एनी हाउ दिस इज नॉट अ टॉपिक। आर टॉपिक इज के इंडिया जो है वो सप्लाई कर रहा है वेपन्स टू फिलिपाइंस, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसको समझने की जरूरत है कि इंडिया जो है वो अपनी नेबरहुड में रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, इंडियन ओशन रीजन में और आसियान में, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। क्योंकि ये जो ममालिक हैं ये लार्जली डिपेंडेंट है चाइना पे और अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट के हवाले से, और इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पे आएंगे। अब ये जो टर्म है दोस्तों, रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर, ये बहुत बड़ी टर्म है अगर इसको देखा जाए। उसकी वजह ये है कि जो अमेरिकन हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल जापान को या साउथ कोरिया को प्रॉपर सिक्योरिटी दे रहे हैं, नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस भी दे रहे हैं कि भाई अगर पॉजिटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस भी हैं कि न्यूक्लियर के अगेंस्ट भी अगर हमला हो तो शायद हम जो है वो दे विल स्टैंड विद द जापान, जापानीज एंड दी साउथ कोरियंस। बट क्या इंडिया वाकई चाइना के मुकाबले में इस तरह इंडो पैसिफिक रीजन में जो है वो अपने अपने आप को अल्टरनेट प्लेयर स्टैब्लिश कर सकता है? क्या इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक आउटरीच लेके आ सकता है? ठीक है, एक आत्मनिर्भर भारत जो है वो तो इंट्रोड्यूस करा दिया कि जो डिफेंस सेक्टर जो है वो काम करेगा, और इसमें डिफेंस सेक्टर में भी मैं बता दूं कि इंडिया जो है वो तकरीबन ये कह रहा है कि इंडियन ओशन रीजन अफ्रीका में इंडिया तकरीबन 152 डिफेंस आइटम जो है वो फ्रेंडली नेशंस को जो है वो सेल करने की बात कर रहा है, जिसमें तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है, ध्रुव एंड रुद्रा चॉपर्स हैं, और फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। अब जारी बात है इसकी मार्केट कितनी है या किस तरह, क्योंकि इनिशियली तो इंडिया डिपेंडेंट है इटसेल्फ इन इट्स आर्म प्रोक्योरमेंट। क्योंकि अगर आप चले जाएं सिर्फ और सिर्फ ये फोरसी करने में कि इंडिया जो है वो दुनिया का सेकेंड नेट आर्म इम्पोर्टर रहा है, सेकेंड नेट आर्म इम्पोर्टर रहा है, ठीक है जी। और बड़े पैमाने पे इंडिया ने, लेकिन इंडिया अब जो है वो तकरीबन रिसेंटली मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि इंडिया ने बड़े पैमाने पे पैसा जो रखा है
वो डिफेंस सिस्टम को प्रोक्योर करने के लिए रखा है। तकरीबन 70,000 करोड़ जो है वो रखा है इन्होंने, जिसमें आप ये समझ लें कि ये बहुत बड़ी पैसा है। और दूसरा ये है कि इंडिया जो है वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेंस इक्विपमेंट की है उसमें भी। और दूसरा ये कि FDI के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि जी आप ठीक है हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। और जिस तरह अगर आपको पता है कि S-400 है या और इन्होंने डील्स वगैरह तो की हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन ये रह जाता है कि क्या इंडिया इंडियन ओशन रीजन में अगर आप देखें, इस पूरे रीजन में आप देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन है आप। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में जिक्र किया कि इंडिया जो है वो बात कर रहा है मिलिट्री बेसिस की बात कर रहा है, ठीक है। और जैसे अगर 152 जो प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं और मिलिट्री बेसिस वो जो है वो तलाश कर रहा है, अगर आपको याद हो कि मडागास्कर में इस हवाले से बात हुई थी कि जी ये कोई मिलिट्री बेस जो है वो उधर बना रहे हैं या सोच रहे हैं, फिर सेंट्रल एशिया में ये मिलिट्री बेस का सोच रहे हैं बनी हुई हैं, तो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा। एक इंडिया को बड़ा एडवांटेज है और वो ये है कि अमेरिकन ये कहते हैं कि भाई इंडिया जो है उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए। दिस इज व्हाट अमेरिकन्स आर सेइंग टू द पार्टनर्स इन द रीजन। सो व्हाट एवर, अब इंडिया जो है वो एक यूनिक प्लेयर है इन अ सेंस कि इंडिया बीइंग एन अमेरिकन पार्टनर इन क्वाड इज आल्सो एक्वायरिंग S-400 फ्रॉम रशिया, ठीक है। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में कहा कि दिस फैसिलिटी इज नॉट टू द टर्क्स, लेकिन ये फैसिलिटी उनको तो है। अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने डिफेंस फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, मालदीव्स में, मॉरिशियस में, वियतनाम में, फिलिपाइंस में, इन जैसे इंडोनेशिया में, और यहाँ पे वो एनहेंस कर रहे हैं। फिर जो बाकी जो ममालिक हैं श्रीलंका, मालदीव जो वो तो वैसे ही छोटे छोटे हैं, उधर तो इंडिया वैसे अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। सो जो चाइना की जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म है वो कहते हैं कि हमने इसको रोकना है। ऑन द अदर हैंड LAC के ऊपर जो मामला हैं वो भी तेज हैं। फिर जो इंडिया ने S-400 खरीदे हैं वो पाकिस्तान की वो LOC के ऊपर भी, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी और LAC के ऊपर भी उन्होंने लगा दिए। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली इसको बड़ा केयरफुली मॉनिटर कर रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान विल स्टे साइलेंट। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी एम्बिशंस इन इंडो पैसिफिक, लगता नहीं है इंडो पैसिफिक की तरफ हम जाएंगे या उस तरफ हम जाएंगे। तो हम सिर्फ अपना जो पाकिस्तान की ओवरऑल माजी में जो अप्रोच मैंने देखी है समझी है वो ये रही है कि बस अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करनी है और अपने नेबरहुड में अपने आप को देखना है कि हम डिस्टर्ब ना हो। अदर देन दैट इंडिया क्या कर रहा है दिस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो प्रोटेक्टिंग आवर टेरिटरी, प्रोटेक्टिंग आवर पीपल, प्रोटेक्टिंग आवर इंटरेस्ट इन द रीजन। सो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी इतना बढ़ चढ़ के है वो, तो वो इसलिए कहते हैं कि कहीं ये ना हो कि अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया जो है वो हमें करे, या ईरान के साथ भी जो हमारे मामला खराब है वो भी इन्हीं वजह से हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया। सो पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी इन इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन में कोई हम जाने की बात नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है जो नई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्टर नहीं है उसमें दे हैव एक्सेप्टेड द वर्ड इंडियन ओशन रीजन। नॉर्मली यहाँ पे ये समझा जाता था कि नहीं हमने उसको इंडियन लफ्ज नहीं बोलना, हमने इंडिया की वो हेजमनी को नहीं मानना, या इंडिया एज ए पुलिसमैन इन द रीजन हमने नहीं मानना। लेकिन चलो ये जो जागन्स होते हैं अक्सर हम ये बात करते हैं, इन जागन्स का किसी मुल्क के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। नॉर्मली अगर आप देखते हैं ये जो इंडो पैसिफिक का जागन है या ये जो आइडिया है दिस इज नॉट एन इंडियन, ये तो बेसिकली जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जो थे 2007 में उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में ये बात लेके आए और फिर उसके बाद ये चलता रहा। आइडिया तो माजी में चला 2004 में, लेकिन इसको प्रॉपर मटीरियलाइज पर उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स लिखे गए, व्हाइट पेपर्स लिखे गए और बहुत कुछ हुआ। अब ये है कि क्या इंडिया सार्क रीजन में, अफ्रीकन कंट्रीज में क्या अपनी डिफेंस वेपन्स देगा? जो गन अटैक्स टैंक्स, गन्स एंड टैंक्स हैं, चॉपर्स हैं, इस तरह का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो देगा और कहेगा कि जी हम चाइना के इक्वल पार्टनर हैं, चाइना के खिलाफ आपको सपोर्ट करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया चाइना का मुकाबला कर सकता है, लेकिन इंडिया कैन पिच इटसेल्फ। द ओनली थिंग विच विल मैटर इज कि नेक्स्ट 10-15 साल में इंडिया इस पोजीशन में हो जाएगा विद द अमेरिकन असिस्टेंस इन अ वे कि इंडिया, अमेरिका जो है वो इंडिया के रास्ते में रुकावट नहीं होगी। वट एवर इंडिया विल हैव एन एम्बिशंस इन द रीजन, सो इंडिया विल आस्क फॉर डेफिनेटली एन ऑटोनॉमी इन इट्स ओन रीजन।
इंडिया अपने रीजन में जो है वो ऑटोनॉमी की बात करेगा, और ऑटोनॉमी की बात इस सेंस में करेगा कि वो कहेगा कि जी आप जरूर इस खित्ते में जो मर्जी प्लान करें, लेकिन हम भी जो अपने बायलैटरल ताल्लुकात इन ममालिक के साथ रखते हैं उसमें अमेरिका या बाकी के मुल्क जो है वो उसमें इंटरफेरेंस ना करें। दिस इज समथिंग विच इज ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि दिस इज समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब इंडिया जो है वो क्या साउथ ईस्ट एशिया में या वेस्ट एशिया में, यहाँ पे आपको अपने जो जहाज हैं, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं मधवान साहब, उनको मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं कि जनाब जो हमारी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो जिसे आप कह लें कि वो एक तो वो कह रहे हैं काफी ज्यादा है, तेजस की फॉर एग्जांपल वो 309 करोड़ का वो कह रहे हैं कि एक एयरक्राफ्ट है, और वो कह रहे हैं कि जो साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के जो ममालिक हैं उन्होंने उस पर जो है वो दिखाया है, इंटरेस्ट दिखाया है। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस सेंस में कि इंडिया अपने आप को देखें, आज तक तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, भले राफेल हो, भले F-400 हो, भले जो ड्रोन्स हो, HP ड्रोन्स फ्रॉम इसराइल से हो, सो इंडिया जो स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी एट आर टेक्नोलॉजी है वो इंपोर्ट कर रहा है। बाकी जो है वो इंडिया जो छोटे ममालिक हैं जिनके छोटे इस बड़े इंटरेस्ट नहीं है, उनको जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली इंडिया कांट डू इमीडिएटली, लेकिन इंडिया कैन मेक इट हैपन, बिकॉज इन ममालिक की भी तो उसी तरह जो जैसे कह लें कि वो जरूरियात उतनी बड़ी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिलिपाइन जो है वो अपने छोटे से ही एक जैसे कह लें कि ये ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है, दिस इज नॉट वेरी बिग बट दिस गिव्स अ लॉट ऑफ जेस्चर्स इन द रीजन, इसके जेस्चर्स बहुत ज्यादा हैं, इसकी नोशंस वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है। और चाइना क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्टर पिछले कुछ अरसे में हुआ है, और चाइना रशिया US फ्रांस और जर्मनी के मुकाबले में है। एक बात है दोस्तों कि इंडिया को एज इट्स कॉम्पिटेटर चाइना का मिल जाना इज वेरी मच बेटर फॉर द इंडियंस, बिकॉज इट गिव्स देम कि भाई हमारा ये जो ओपोनेंट है वो यहाँ पे है और हमें उसको यहाँ तक लेके जाना है, और हमें अपने आप की हमें अपने आप को कैसे जो है बढ़ाना है। अगर आपका गोल ही छोटा हो, अगर आपका टारगेट ही छोटा हो, तो जारी बात है फिर आपको वो ये तो होता है कि भाई हम सो वॉट, ये तो छोटा ही तो टारगेट है, ये तो हम अचीव कर लेंगे। सो यू डू नॉट थिंक बिंग, यू डू नॉट गो ग्लोबल। सो इंडिया इज गोइंग ग्लोबल इन टर्म्स ऑफ क्वाड की जैसे बात है, क्वाड टू की बात हो रही है, इंडियन ओशन रीजन की बात हो रही है, तो ये चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉरिशियस में जो है वो बातें चली कि जी मैं मडागास्कर शायद पहले कह रहा था, लेकिन मॉरिशियस में जो बेस जो है वो उसकी बात चली कि जी वहां पे वो बेस बनाएंगे या इंडियन ओशन रीजन में जो है वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। और नरेंद्र मोदी जो है देखें जैसे तैसे भी है, द मैन हैज टुक द कंट्री टू द न्यू हाइट्स। उसकी वजह ये है कि उसने देखें, आप अपना क्रिटिसिज्म जरूर करें, हम एक चीज पे अगर किसी को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो दूसरी चीज पे जगह पे उनको, इफ समवन इज वर्किंग गुड तो वी मस्ट अप्रिशिएट एंड वो करना चाहिए। लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी ने जिसे कहते हैं ना वो उसने इंडिया को उठाया है, और उठाया है तो बेसिकली अब वो इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की बात कर रहा है। दिस इज समथिंग दैट विल बी ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनी टू अंडरस्टैंड इन पाकिस्तान के ये हाउ इंडिया कुड बी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, क्योंकि उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है इंटरनल प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें वी हैव टू शोकेस आर कैपेबिलिटीज एंड वी इमीडिएटली हैव टू गेट इन टू इट। सो इंडिया अगर अपना ये जो डील ऑब्वियसली जो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, और सुनने में आ रहा था कि इंडियन अथॉरिटीज जो हैं वो जा रही हैं और मनीला और इसके ऊपर वो हो जाएगा, तो ये एक समझ लें कि ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है फॉर दिस ब्रह्मोस, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इंडिया के लिए इंडियन ओशन रीजन में। और जिसे वो कह रहे हैं ना कि अपने आप को अल्टरनेट देना चाहता है, अल्टरनेट टू चाइना, बातें वो इस तरह कर रहे हैं कि हम अल्टरनेट टू चाइना की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मेरी तो बड़ी देर से एक अंडरस्टैंडिंग रही है, और मैं इस पे बात भी करता रहा हूँ और बार बार कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान को वेस्ट एशिया और इन ममालिक से निकल के
इस तरफ जाना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो नेवल पार। हमें यहाँ से इंडियन ओशन से, हमें अरेबियन से इसे निकल के इंडियन ओशन की तरफ जाना चाहिए, वहां पे अपने जो फुटप्रिंट्स हैं एस्टैब्लिश करने चाहिए, नेवी का सहारा लेना चाहिए। और लार्जली जो हम आर्मी पे पैसा लगाते रहे हैं वो अब मेरा ख्याल है एयरफोर्स और नेवी पे शायद लगाना चाहिए। द रीजन बिहाइंड इज कि अब जो फ्यूचर के थ्रेट्स हैं, जो बाकी जो चीजें हैं, वो दे आर नो मोर। हमारी जो लड़ाई होनी है वो कोई वो फौजों नंबर की बेस पे नहीं लड़ाई होनी। This is what I foresee. I may be wrong because the military strategists hote hain, they think in a different way and they think in a very comprehensive way. Aainda jo ladai honi hai wo isliye Pakistan jo hai, India jo hai, for example, Rafael le raha tha ya sare kar raha tha. Aainda jo ladai honi hai wo badi short si, crisp si aur is tarah ki ladai honi hai. So the more money which we should spend is on air force and navy. सो दैट नेवी जो है वो समंद्रों तक हमें जो बात हो रही है इंडो पैसिफिक की वहां तक वो लेके जाए, और दूसरा जो एयरफोर्स है दैट विल इमीडिएटली प्रोटेक्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी इन केस देयर इज एन अटैक। बट ऑब्वियसली विद ऑल दैट न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का गार्ड ऑलरेडी हाई है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। लेकिन इंडिया क्या वाकई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है एशिया इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन रीजन में, अफ्रीका में? This is a very big question and how far it will take to supply state-of-the-art weapons, क्योंकि Philippines को जिस तरह का चाहिए वो उनको मिल गया, लेकिन India को ये चीज नहीं चाहिए। India obviously is looking for something else against China, जो है वो S-400 देख रहे हैं या बाकी Rafale देख रहे हैं या बाकी चीजें देख रहे हैं। So this is something which is interesting and important to study। आपसे तीन बातें करनी है। पहली बात करनी है कि ये जो फिलिपाइंस को आप जो ब्रह्मोस भेज रहे हैं, दिस इज अ इंडियन रशियन प्रोजेक्ट, जो ये इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करनी है। और दूसरा जो सुना है नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं और बीजेपी का बड़ा प्लान है कि हम जरा नेपाल के साथ अपनी थोड़ी सी जो है ना वो एक अग्रेसिव सुने मामलात कर रहे हैं, और तीसरा जो इंडिया पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो इंडिया में कैसे रिसीव की जा रही है। सो सुमित भाई, सबसे पहले काइंडली ये बताइएगा, हाउ डू यू सी कि ये 350 मिलियन डॉलर का जो आपने असला बेच रहे हैं नेपाल, उसको फिलिपाइंस को, व्हाट डज ये क्या बेसिकली है क्या, और इंडिया जो है वो क्या चाइना का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है, या आप समझ रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी इन कंपटीशन विद द चाइनीज के आप जो है वो असला बेच रहे हैं, एक तरफ आप असला खरीद रहे हैं दूसरी तरफ असला बेच रहे हैं, व्हाट इज दिस माइंडसेट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? देखिए चीमा साहब, हुआ क्या है कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर की बात है, एक डेढ़ साल पहले की बात है, चाइना ने अनप्रोवोक्ड फिलीपींस का एक फिशिंग बोट डुबाया था साउथ चाइना सी में। चाइना का तो एक वाहिद कंट्री है, 10-12 कंट्रियों के साथ बॉर्डर लगता है, पर बॉर्डर डिस्प्यूट 24 कंट्रियों के साथ है। उनके तो चीमा साहब सीधी सी बात है, मेरी दद्दी मरहूम के सपने में आया था, तेरा घर मेरा इसलिए आधा मेरा, ये वो उस लॉजिक पे चलते, कहते ताजिकिस्तान 45% हमारा, पामेर वैली खा गई, इतना सा चाइना था, फूल फूल के इतना हो गया। लैंड ग्रैबिंग हैज बीन देयर यूएसपी। आप तिब्बत की बात करें, आप कहीं की भी बात करें, जापान के आइलैंड्स हो, फिलीपींस की, वियतनाम हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, इंडिया हो, किसी के साथ भी उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है, कहता भाई ये जमीन मेरी है, दद्दी जान मरहूम के ख्वाब में आया था, अब इस पर कोई नेगोशिएशन नहीं है। अब हुआ क्या कि जो ब्रह्मोस है ये वर्ल्ड का बेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है, और अब इसमें जो वर्जन है एयर टू एयर है, लैंड टू लैंड है, लैंड टू एयर है, अब सी टू सी वर्जन भी टेस्ट हुआ, ऑलमोस्ट 2.8 मैक के स्पीड पे जाता है, और नोन रेंज इज बिटवीन 300-800 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो ओपन मीडिया में सबको पता है, अब उसके अलावा क्या फीचर्स डेवलप हुए मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। अब फिलीपींस का जो है, चाइनीज नेवी हैज बीन वेरी अग्रेसिव इन फिलीपींस वाटर्स, फिलीपींस के वाटर में घुसना, वहां के शिपिंग बोट्स को तंग करना, वो दादागिरी कर रहा है, वो नहीं होता हमारे यहाँ कोई होता है कोई लंबा चौड़ा सा लड़का सबको भाई मैं यहाँ का दादा हूँ। अब ब्रह्मोस मिलने के कारण क्या हुआ है कि चाइनीज का कोई भी एसेट, मार्क माय वर्ड्स, कोई भी एसेट इज नॉट सेफ ऑन द सी। अगर फिलीपींस चाहे, इफ दे यूज ब्रह्मोस, ब्रह्मोस इज लाइक ब्रह्मोस का जो नाम है दैट इज टेकन फ्रॉम ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है जिसका कोई काट नहीं है, वंस इट इज फायर्ड इट कैन डिस्ट्रॉय अ शिप, इट कैन डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट कैरियर, इट कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग व्हिच कम्स इन इट्स वे, और इसको इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट मुश्किल है, रडार इसको देख नहीं पाते। अब 324 मिलियन की डील के दो सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस है चीमा साहब कि इट्स ऑलमोस्ट हाफ अ बिलियन डॉलर ऑफ डील, तो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का डील हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वी हैव फ्रॉम डिफेंस इंपोर्टर ऑफ वेपन्स टू बिकम एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स, एक उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है।
ब्रह्मोस की डिमांड करीब करीब 12-13 कंट्रियों से आई है, बट वी आर ओनली गिविंग टू फ्रेंडली कंट्रीज एंड स्ट्रेटजिक कंट्रीज। हाँ, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, फिलीपींस को देने का मतलब है स्ट्रेटजिक कंट्री को देना। फिलीपींस में ब्रह्मोस होने का मतलब है कि आपने चाइना की प्रॉब्लम उसके डोरस्टेप तक ला दी। फिलीपींस को ब्रह्मोस देने का मतलब है ट्रबल कैन कम इन टू साउथ चाइना सी फॉर चाइना, और अगर साउथ चाइना सी उनका ब्लॉक होता दैट इज देयर ओनली सी, और सारा ट्रेड वहां से जाता, सारा कॉमर्स वहां से जाता, सारी एनर्जी सप्लाईज वहां से आती है। तो ये एक बोल्ड जियोपॉलिटिकल मूव है चीमा साहब, ये करने की हिम्मत बहुत से हुकुमरान, बहुत से प्रधानमंत्री, बहुत से प्रेसिडेंट नहीं करते, पर मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया। और आपने देखोगे ये कोई छुपाया नहीं है इसके बारे में, ट्विटर पर आया ब्रह्मोस कॉरपोरेशन ने डाल दिया भाई $324 मिलियन की डील है। अब लास्ट टाइम आपको याद हो, लास्ट ईयर जब हम खड़े हुए थे चाइना के अगेंस्ट, तो मैंने ये बोला था, मैं नेशनल टीवी पे भी बोल चुका हूँ, देखिए अगर आप खड़े होंगे तो आपके पीछे दुनिया खड़ी होती जाएगी। वो कहावत है ना, हम अकेले चले लोग मिलते गए कारवां बनता गया। बात हुई, आप आज चाइना के सामने खड़े तो ये फिलीपींस में भी हिम्मत आ रही है, जापान भी कह रहा तेरे वो नहीं है, युगांडा भी कह रहा, 50 और कंट्रीज कह रही है। ये जो चाइना का अननेसेसरी एग्रेशन है, टेरिटोरियल एग्रेशन है, कल्चरल एग्रेशन है, इकोनॉमिक एग्रेशन है, अब इसमें सेंध लगी है, क्योंकि ये डील खुले आम सबको बताते हुए दिखाते हुए डिटेल्स के साथ किए। कोई इसमें मतलब चाहते तो आप उनको 20-30 मिसाइल तो कहीं से भी पहुंचा सकते थे, वो नहीं, बिल्कुल दिखा के बेच के किया है। पीओ की कॉपी मैंने भी अपने ट्विटर पे डाली थी, मेरे को आपको याद है, आपने भी देखा होगा काफी वो कॉपी घूम रही है। तो एक बहुत एग्रेसिव स्टैंड है हमारा चाइना के अगेंस्ट, बहुत एग्रेसिव स्टैंड है भाई। अगर आप ये हमाकतों से बाज नहीं आओगे, जो आपके प्रतिस्पंदी है, जिन्हें व्हाट यू कॉल दिस, जो आपके होस्टाइल स्टेट्स है वेयर यू आर प्रॉब्लम, वी विल गो आउट एंड हेल्प देम। और मैं ये भी मानता हूँ बहुत जल्दी ये डील वियतनाम के साथ होगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ब्रह्मोस विल बी आल्सो सोल्ड टू वियतनाम। जी अच्छा, बिल्कुल ठीक है। चले आप वो, ऑब्वियसली इंडिया हैज ए राइट टू वो करने का, उसका हक है, लेकिन लेट सी वो उसके क्या कंक्लूजन निकलते हैं। अच्छा, जो एक दूसरी बात आपसे सुमित भाई करनी है वो ये है कि ये बार बार एक चीज आ रही है, जिस तरह आपको याद होगा कि जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर से उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो अपने आप को, अमित शाह कहते हैं कि हम श्रीलंका में और नेपाल में अपनी हुकूमत बनाएंगे। इसी तरह जो अभी नरेंद्र मोदी साहब आई थिंक हल्द्वानी में जो है वो उत्तराखंड में जो जो जलसे वगैरह हुए, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो रोड बिल्ड करेंगे और एक्सपैंड करेंगे, और सुनने में आ रहा है कि तकरीबन ये 606 किलोमीटर रोड का जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर का मसला अभी तक चला आ रहा है। ये क्या इंप्रेशन इंडिया रीजन में आ रहा है कि इंडिया अपने आप को आइडियोलॉजिकली एंड टेरिटोरियली एक्सपेंड कर रहा है? आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जी चाइना का हर एक के साथ मसला है, आपका भी तो नेपाल के साथ मसला है, चाइना के साथ मसला है, पाकिस्तान के साथ मसला है, श्रीलंका के साथ एक और पोजीशन में रहा, भूटान के ऊपर आप कंट्रोल रखते रहे फॉरेन पॉलिसी का, बांग्लादेश के साथ आपका मसला रहा। सो व्हाई दिस इंप्रेशन इज देयर अब के नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है वो आइडियोलॉजिकली एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म पे यकीन रखती है, एंड द केस इन पॉइंट इज LAC, नेपाल और पाकिस्तान, बट राइट नाउ आई वांट टू कि आप नेपाल पे जरा बात करें। जी चीमा साहब, आपकी खसूसियत है कि मैं कह रहा हूँ ना, आप दुनिया के बेस्ट स्पिनर, अगर आप क्रिकेटर होते अब्दुल कादर को आप पीछे छोड़ देते, ये वाकई ये दिल से कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले 5000 साल की हिस्ट्री उठा के देखिए, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड एनीबडी, इंडिया ने किसी की जमीन नहीं ली 5000 की हिस्ट्री, और तब तो पाकिस्तान भी नहीं था 70 साल पहले, कॉमन हिस्ट्री है। तो 5000 साल की हिस्ट्री में हमने किया ना, आज हम कर रहे। अब मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूँ। चाइना के साथ LAC है, दिक्कत चाइना को हो, पेट खराब होता है जी जिनपिंग का, हमारा नहीं होता। पाकिस्तान के साथ हाँ एक बॉर्डर है जो हमने LOC मान रखा फिलहाल, इट्स बॉर्डर विच इज डिवाइडिंग। अगर कल को यहाँ दिक्कतें ना हो, ये कुछ शरीफ लोग वहां से आए ना, जो NGO चलाने वाले लोग यहाँ भेजते ना कुछ NGO चलाने के लिए, कुछ अच्छे काम करने के लिए, जो उनको क्लाशनिकोव वगैरह लेके हम भेजते हैं, ये ना हो तो वहां भी पीस हो। बांग्लादेश के साथ एज ऑन डेट कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं, एवरीथिंग इज सेटल्ड। नेपाल के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, और श्रीलंका के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं। अब आते हैं श्रीलंका की बात। श्रीलंका में क्या है, ये जो रोड बन रही है एक लीपू लेक है, लीपू लेक आपने नाम सुना होगा, लीपू लेक है। 1965 चीमा साहब, 1965 से इंडियन आर्मी वहां पे है, 65 से, कितने साल हो गया, करीब 50-55 साल से इंडियन आर्मी वहां पे है। वो एक ट्राई जंक्शन आता है नेपाल चाइना और इंडिया बॉर्डर के बीच, एक ट्राई जंक्शन आता है वहां पे। इंडियन आर्मी को नेपाल ने बहुत पहले रिक्वेस्ट किया था, आप आके इसको गार्ड कीजिए, क्योंकि यहां से चाइना आ सकता है।
पीछे चाइना ने तीन विलेज जो उस ट्राई जंक्शन के थोड़ा आगे हैं नेपाल के, वो हड़प कर गया। वहां अगर इंडियन आर्मी है तो वो नेपाल को बचा रही है, और इंडिया में जो वो ट्राई जंक्शन है, क्योंकि वहां ट्राई जंक्शन है जहां तीन जगह मिलते हैं, तो वो हमारे लिए भी एक दिक्कत का बायस हो सकता है। वहां जाने वाली रोड को ब्रॉड किया गया ताकि वहां मैन मिलिट्री की मूवमेंट बहुत आसान से हो, और कोई रोड और कहीं जगह हमारा नेपाल में मतलब नहीं। आपको पता होगा बीजिंग की एक लाइन आ रही, रेलवे लाइन आ रही है काठमांडू तक, ये आपने सुना होगा, 2-1 साल में रेडी हो रही है, ठीक है जी। बीजिंग की अगर हमने अभी पेगोंग सो लेक तक रोड बनाई है, चीनियों ने ब्रिज बनाया, हमने वहां तक रोड बनाई, आपने ट्विटर पर फोटो देखी होगी। तो जो हम अगर हम पेगोंग सो तक रोड बना रहे हैं, अब हम पूरा अपना बॉर्डर स्ट्रक्चर रिवैम्प कर रहे हैं, मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो ठीक उसी तरह जैसे डेप्सांग में हमारा इशू था, या आप जो भूटान वाला मसला, तो हमने सॉर्ट आउट किया। अब ये जो हमारा वहां लिपुला लेक है जहां ऑलरेडी इंडियन आर्मी 1965 से डिप्लॉयड है, तो वहां की रोड को वाइडन करना, उसको मोटरेबल बनाना, उस पर आर्म्स और आर्मैन और मशीनरी का मूवमेंट सीमलेस करना, इट इज विजवी चाइना। और हमारा नेपाल से कोई वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं, नेपाल इज द ओनली हिंदू किंगडम, वो तो हमारे भाई है, ब्लड लाइन सेम है हमारी, तो हमारे तो ये जो होली बुक्स है रामायण में लिखा, माता सीता तो खुद नेपाल की थी, नेपाल से तो हमारा खून का रिश्ता है। देखिए मिलिट्रीली अगर इंडिया चाहे तो नेपाल को कभी भी ले सकता था, पर क्यों ले, वो छोटे भाई है। हमारी गोरखा रेजिमेंट में चीमा साहब जो लोग हैं वो नेपाल से आते हैं। गोरखा इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल इंडियन आर्मी रेजिमेंट्स, आप भी जानते हो कि कई वॉर की हिस्ट्री आपने सुनी होगी। सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर इज प्रोटेक्टेड बाय गोरखा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज प्रोटेक्टेड बाय गोरखा, गोरखाज आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी। एक सैम मानिकशॉ ने एक चीज बोली थी, मैं आपको बता दूं, आज उन्होंने एक बार बोला था, अगर कोई दुनिया में एक है उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। अब सैम मानिकशॉ जैसा बड़ा फील्ड मार्शल जो थे, उनसे बड़ा जनरल शायद इंडिया में अब तो उनके स्टैचर का कोई हुआ नहीं, ये कोट अनकोट में सैम मानिकशॉ की बात कर रहा हूं। तो वहां उनकी टेरिटरी पे कब्जा करना ये सब बकवास बात है, क्योंकि अभी जो वहां गवर्नमेंट है ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इट इज फंडेड बैक्ड बाय चाइना, आपको पता है। अब ये क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ ये इधर उधर मिर्च मसाला डालते हैं, या कुछ खबर में आ जाए वहां। आप आज के डेट में तो ये भी आप जानते हो कि चीमा साहब खुद एनालिस्ट है, आज के डेट में नेपाल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से पावरफुल चाइनीज एम्बेसडर है, और वो लेडी बड़ी पावरफुल है जी। सुना वो प्राइवेट टैक्सियों में काठमांडू में घूमती, चाइनीज एम्बेसी की गाड़ी यूज नहीं करती, अब बड़ा मतलब उनका रुतबा है, बड़ा कंट्रोल है उनका। अब क्यों है क्या नहीं है वो कभी फिर बात करेंगे, काफी डिबेटें हो गई है उस पर। अब ये जो चाइना ने जो दो कम्युनिस्ट फैक्शंस को एक साथ किया, सरकार लाई, अगर वहां नया इलेक्शन होता है, नेपालीज कांग्रेस विच इज प्रो इंडिया विल कम टू पावर, और वो उसको रोकने के लिए सब करें। अब वो क्या करें नेपाल वाले, वो अगर हम एक पॉजिटिव इफेक्ट उठा रहे, जब कोविड की बात हुई चीमा, सबसे ज्यादा दवाइयां हमने दी, सबसे ज्यादा वैक्सीन हमने दी, सबसे अभी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हमने दिया। नेपाल की इकोनॉमी इज ओनली $30 billion, जो जिसका 70% GDP इंडिया से जुड़ा है। नेपाल इज सर्वाइविंग और इन बिजनेस बिकॉज ऑफ इंडिया, और हमारा तो खून का रिश्ता ही वहां किसी की जमीन छोटे। आप बताइए, आप अपने छोटे भाई के घर पर कब्जा करेंगे क्या, करेंगे नहीं करेंगे? तो अब देखिए, पड़ोसी एक है, एक पड़ोसी है, उसको लगता है यार कमर चीमा और उसके छोटे भाई की ना लड़ाई करवानी है, कहता तुम्हारी मुर्गी उसके अंडे देगी और तुम वो खा गए, वही वाली बात है जी। ये सब चीजें चलती रहती है। देखिए सियासत में मुद्दे बनाना ये सियासतदानों का काम है, पर जो जमीन पर हकीकत है मैं आपको वो बता रहा हूँ। कई बार मैं नेपाल भी जा चुका हूँ, 10-15 बार जा चुका हूँ, और इसलिए मैं एज अ हिंदू, एज अ इंडियन, एज अ, और हमें तो वहां पासपोर्ट वगैरह की भी जरूरत नहीं है, अपनी गवर्नमेंट आईडी पे जा सकते हैं, कोई वीजा की जरूरत नहीं है। वहां का जो हमारा खून का रिश्ता है और उसमें दरार नहीं पड़ सकती सर। देखिए सुमित भाई, आप जो भी कहें, लेकिन ये नेपाल की सरकार ही है जो इंडिया को कहती है कि यूनिलैटरल कंस्ट्रक्शन बंद कर दें रोड्स की। बट एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, आपने जो अपना पॉइंट रख दिया वो क्लियर हो गया। आखिरी जो आपसे जिस पॉइंट पे बात करनी है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराई है, पाकिस्तान में बड़ी डिबेटेबल है, हम भी बड़ी बात कर रहे हैं, उसमें ये बात आ रही है कि जी 100 साल भी इंडिया से हॉस्टिलिटी नहीं चाहते। इंडिया इसको कैसे देख रहा है, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक हल्के हैं या जो इंडियन सरकार है, आपका क्या एनालिसिस है, व्हाट वुड दे बी थिंकिंग ऑन दिस डॉक्यूमेंट, क्या अप्रोच है इंडिया में? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले जो इंडियन गवर्नमेंट का अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या स्टैंड इस पे आया नहीं है, सो दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लुक्ड इनटू इट, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप एनालिसिस की बात करें, अब आपके इंडिया इसको देखता है कैसे, हाउ डज इंडिया, हाउ डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ डू द पीपल ऑफ इंडिया सी इट।
देखिए, पहली बात चीमा साहब, आप जानते हैं कि अगर 100 साल तक शांति रहे, कॉन्सेप्चुअली इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, पीस रहे, प्रोस्पेक्टिव हो, डेवलपमेंट हो, आप भी डेवलप करें, हम भी डेवलप करें। मैं तो हमेशा कहता हूँ, लड़ाई करनी है, रेस करनी, तो डेवलपमेंट की करें, इकोनॉमी की करें, ऐसी पॉजिटिव चीजों पर रेस करें ना। ये मरने मारने की रेस में तो कोई किसी को कुछ मिलता नहीं, पहली बात। अब दूसरी बात, अब ये जो डॉक्यूमेंट निकलता है, इसमें ये भी है कि जी हम मोदी गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे। इसमें ये भी पॉइंट निकलता कि फिलहाल हम कश्मीर का मसला साइड पर रखने को तैयार है, अच्छी बात है। इसमें एक और बात भी निकलती है, ये तो आपने दो बातें यहां कह दी, और यहां कहते कश्मीर का मसला भी साइड में रख रहे हैं। इमरान खान साहब के पीछे आपने, हमने ट्वीटों पे बात की थी, ट्वीट पे ट्वीट आ रहे, ट्वीट पे ट्वीट आ रहे, एक साइड से आप डॉक्यूमेंट निकाल रहे, एक साइड से ट्वीट करो। कल परसों मैं देख रहा था एक वीडियो जहां नियाजी साहब कह रहे हैं अभी पाकिस्तान को सबसे मजबूत फौज की जरूरत है, क्योंकि 73 साल में इतनी पावरफुल सरकार हिंदुस्तान में नहीं आई, कोट अनकोट उन्हीं के वर्ड बता रहा हूं। अब ये जो पॉलिसी है, ये चीमा साहब, इस पे क्या, कैसे देखा जाए, कैसे, कौन, किसने बनाई, किसका मंशा है, इरादा क्या? आपके यहाँ दो पावर सेंटर है, एक तो मिलिट्री है, एक सिविलियन गवर्नमेंट है, सबको पता है। जब एक भुट्टू है तो एक मुशरफ साहब है, जब एक इमरान खान है तो एक बाजवा जी है, जब एक जियाउल हक है तो एक, मतलब भुट्टो है तो एक जियाउल हक भी है, तो ये सब एक एक जनरल और एक सिविलियन गवर्नमेंट का एक ताना बाना चलता रहा, और क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, वो समय सब पता है। अब नियाजी साहब के संदर्भ में तो एक और पावर सेंटर भी, अनफॉर्चुनेटली मिलिट्री सिविलियन गवर्नमेंट। पहले तो ये कि भाई ये बनाया किसने, ये चाहता कौन है, हु इज बिहाइंड दिस, मंशा क्या है, चाहते क्या हो। इस सिविलियन गवर्नमेंट सो कॉम्पिटेंट कि वो ये डॉक्यूमेंट लाए और बोले भाई हमें 100 ईयर्स इंडिया से पीस चाहिए, दैट इज डाउटफुल। नियाजी साहब चाहते हैं या उनसे बोला भाई ये स्टेटमेंट दे दो, उन्होंने दे दिया। अब नियाजी साहब का एक और पावर सेंटर भी है, बड़ा दिलचस्प पावर सेंटर है, आप जानते हैं मिसेस खान। अब मिसेस खान का जिन जिनात जादू टोना, मतलब काफी चीजों में वो विश्वास करती है। अब विच इज इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, इज इट मिलिट्री, इज इट सिविलियन गवर्नमेंट या मिसेस खान? सो व्हाट एग्जैक्टली हैज इट, मतलब ये कहां से आता है, ये क्या आता है? देखिए, हमारे यहाँ मोदी जी कुछ कहते हैं पत्थर की लकीर है, ही इज द फाइनल पावर, मतलब जो उन्होंने बोल दिया वही वही है, कल को एवरीबॉडी इज बिहाइंड हिम, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। पर आपके यहाँ क्या है, जब तक ये वाजे ना और जब तक एक्शन ग्राउंड पे ना दिखे, अगर 2-3-4-6 महीने में इंटेंशन होगी, हमारे यहाँ तो कहते हैं ना भगवत गीता में, द इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा, अगर कर्म की इंटेंशन ठीक है तो आउटकम 2-3-6 महीने में दिख जाएगा, अगर नहीं है तो कुछ शरीफ लोग एनजीओ चलाते रहेंगे। अभी नरवाने साहब ने बोला था करीब 400 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पे, 250 से 400 टेररिस्ट तैयार है, जबकि 160-170 टेररिस्ट इस पीछे 6-1 महीने में मारे गए हैं। तो जब तक ये सब चीजें चलती रहेगी, एनजीओ चलते रहेंगे, अब देखिए 10-10 मिलियन बाउंड्री वाले लोग हैं, दुनिया को दिखते हैं वो, पर पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं दिखते, मतलब कुछ खास है उनमें, मतलब मिस्टर इंडिया है वो, जैसे अनिल कपूर मिस्टर इंडिया में दिखते नहीं थे, लाल रंग के चश्मे से दिखते हैं, शायद आपको भी कुछ लाल रंग के चश्मे विश्व लेने पड़ेंगे। जब ऐसे लोग चल रहे हैं तो आप बताइए, ये तीनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती ना सर, या तो एक चलेगी या बी चलेगी या सी चलेगी। कॉन्सेप्चुअली अगर आप मुझसे पूछे, अगर 100 साल तक पीस रहती है, आई एम फॉर इट, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, आप भी डेवलप करें, हम भी डेवलप करें, रेस करते, कंपटीशन करते, इकोनॉमी में करते, एजुकेशन में करते, स्टार्टअप्स में करते, पॉजिटिव चीजों पर एजेंडा पे, एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव रेस होनी चाहिए ऑन प्रोडक्टिव थिंग्स। व्हाई रेस शुड बी ऑन आर्म्स, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, दैट इज द क्वेश्चन एंड आंसर व्हाट वी हैव टू अल्टीमेटली रीच टू। बिल्कुल ठीक है आपका, एक गुजारी बात है, टिपिकल इंडिया का माइंडसेट है जी कि वो इमरान खान साहब और उनकी फैमिली और वाइफ को लेकर के, मेरा नहीं ख्याल ये ऐसी चीज है, बस ये मीडिया की कहानियां हैं, वो मीडिया गढ़ता रहता है, अब मीडिया ने भी तो अपना पेट पालना होता है। हाँ, पाकिस्तान में फौज एक बड़ा पावरफुल सेंटर ऑफ पावर है, और आज का नहीं, पिछले 75 साल से है। अब तो जारी बात है, ये जो डॉक्यूमेंट है इसको पाकिस्तान के फौज और अदारों की सपोर्ट हासिल है। आपने देखा होगा कि जिस दिन इसकी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को पब्लिक किया गया था, उस दिन सर्विसेज चीफ्स बैठे हुए थे सारे वहां पे, चेयरमैन जॉइंट चीफ और बाकी सर्विसेज चीफ भी बैठे हुए थे। सो दिस डॉक्यूमेंट हैज ए कंप्लीट सपोर्ट ऑफ एवरी वन। लेकिन मेरे अपना क्रिटिसिज्म भी बहुत, मैंने इस पर वीडियोज भी बनाई है कि अभी और भी इसको बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी जो मिसिंग है। लेकिन इंडिया का तो हमें पता है, लग रहा है कि इंडिया जो है इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक और नॉट इंटरेस्टेड टू एंगेज, और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं भी यही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब तक इंडिया खुद ना कहे, पाकिस्तान को बात नहीं करनी चाहिए अब इंडिया से, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की तबीयत है बहुत खराब, वो अपने आप को समझने लग पड़े हैं बड़ा हीरो शीरो,
हम कहते हैं अब हम, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब बार बार हमारी सरकार इंडिया को कहती है आओ बात करें आओ बात करें। भाई ठहर जो, कोई बात नहीं, कौन सी कयामत आ गई है, ठहर जो, अभी 75 साल नहीं हुई और 75 साल देखो क्या फर्क पड़ता है, क्या कयामत आ जाएगी। दुनिया तो जो है वो ईस्ट की तरफ नहीं है, वेस्ट की तरफ भी है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। ये तो मैं भी समझता हूँ कि हमें थोड़ा होल्ड करना चाहिए, जरा सांस लेने दे भारत को, कोई बात नहीं। मैं तो मेरा, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो इस चीज का कायल हूँ, मैं तो अभी भारत से बात का कायल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो थक गया भारत से बात कर करके, और हमें हम तो ऑफरें दे दे के थक गए हैं। बट एनी हो, एक बात मैं बता दूं सुमित भाई, मुझे इतना पता है कि इस डॉक्यूमेंट में मैं, दिस इज नॉट, मैं खुद, मेरे से बड़ा कोई क्रिटिक नहीं है अपनी अपनी हुकूमत का, मैं ये समझता हूँ दिस डॉक्यूमेंट हैज अ बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर डीलिंग विद इंडिया एंड फॉर मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड आई एम श्योर कि अगर भारत में नरेंद्र मोदी साहब वाकई मूव ऑन करना चाहते हैं, तो देर आर सेगमेंट्स इन द सोसाइटी पाकिस्तान में, मीडिया समेत, दाएं बाजू के मजहबी ग्रुपों समेत, फौज समेत, और इमरान खान समेत, जो वाकई मूव ऑन करना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो जो एक बात है, बॉल इन इंडिया कोर्ट, और मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी साहब उस गेंद को अपने कोर्ट में रखना चाहते हैं। वो कहते हैं इस गेंद को, इसको ठंडी हवा ना लग जाए, मैं इसको अपने पास ही रखूंगा। बाकी आप जो मर्जी कहना चाहें, लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये मेरा कंक्लूजन भी है, ये और ये मेरा पॉइंट भी है, दैट दिस सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट डिस्पाइट द डिफरेंसेस विद द ऑपोजिशन पार्लियामेंट में और हमें उसके हैं, लेकिन ओवरऑल जनरल इसको फौज की, इदारों की और हुकूमत की सपोर्ट है। और मेरा ख्याल है इफ नरेंद्र मोदी इज रियली इंटरेस्टेड फॉर पीस, और मेरी अपनी जाती राय है कि इस डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान ने यूटर लिया है कश्मीर के ऊपर और बहुत सारी चीजों पे, इफ रियली इंडिया लुक्स इन, जैसे कहते हैं ना, लुकिंग इन बिटवीन द लाइंस, देखेगा तो बहुत कुछ है इसमें जिसको हो सकता है इमरान खान को जान के लाले पड़ जाए, अगर ये पब्लिक को समझ आ जाए कि इमरान खान ने इस सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में क्या क्या साइन कर दिए हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन नरेंद्र मोदी साहब, और जो मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि वो अभी नहीं बात करना चाह रहे। इफ यू वांट टू, मैं जवाब दूंगा बिल्कुल इसका। देखिए सर, मैंने बोला कॉन्सेप्चुअली 100 ईयर्स ऑफ पीस इज ओके, मतलब उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। पर आपको याद होगा जब मोदी जी 2014 में आए थे तो उन्हें से पूछा गया था पाकिस्तान से क्या मतलब पॉलिसी क्या रहेगी, उन्होंने एक ही चीज बोला था, बम बारूद और गोलियों की आवाज में यारी दोस्ती की बातें नहीं सुनती। एक ही तो मुद्दा है चीमा साहब, आपने डॉक्यूमेंट बनाया, अच्छी बात है, आप कहते हैं फौज का सपोर्ट, हम आपकी बात मान लेते हैं, पर पाकिस्तान की हिस्ट्री ये भी रही है कि सिविलियन गवर्नमेंट्स को कब मिलिट्री गवर्नमेंट ओवरटेक करे पता नहीं लगता। देखिए कभी आज कल 7:30 बजे शाम को क्या हो जाए, कल इस टाइम क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। ये भी एक हिस्ट्री है, ये भी एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, मेरा एनालिसिस नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ। चलिए उस बात को भी दरकिनार कर देते हैं, आपकी बात पूरी मान देते हैं, पर एक बार बताइए अगर ये टेररिज्म, और मैंने इसीलिए बोला जो एनजीओ चलाने वाले कुछ निहायत शरीफ लोग हैं पाकिस्तान में, अगर ये और इनके जो एनजीओ वालों को रोका जाए, अगर ये टेररिज्म को बंद किया जाए तो चीजें संभव है। एक ही तो कंडीशन है, आप टेररिज्म को रोक दीजिए, इन लोगों को कंट्रोल कर लीजिए, बाकी चीजें संभव है। ये तो मोदी जी का पहले स्टेटमेंट, ये तो 2014-15 में बोल चुके हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट आता है, आपकी मंशा ये, आपके कश्मीर में यू टर्न किया, पर ये आप चीमा साहब बताइए, इसमें एक लाइन मैंने कहीं ये भी पढ़ी थी कि विल नॉट टॉक टू नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, ये एनएसएस साहब ने बोला था। अगर आप बात नहीं करोगे तो भाई अब फिलहाल तो मोदी है, फिलहाल तो और कोई है नहीं। सुमित भाई इसमें मैं एक बात बताऊं, आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं ना, इसमें मैं 50,000 मिसालें दे सकता हूं, और हमारे पास एविडेंस भी है कि इंडिया ने पाकिस्तान में क्या क्या करवाया है, कुलभूषण यादव नेटवर्क एंड ऑल दैट। टेररिज्म वो नहीं है जो कश्मीर में हो रहा है, जहाद माजी में होता रहा है, पाकिस्तान में इसने बड़ी क्लैरिटी है कि व्हाट हूएवर विल पिक अप अ वेपन एंड क्रॉस अ बॉर्डर एंड एंटर इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वो जहाद नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, ये हमने कह दिया उसमें। बाकी ये जो बात है कि हम इंडिया मोदी से बात नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है ये सियासी बयान है इमरान खान साहब का, सारा टाइम ये झूठ बोलते हैं सियासतदान, सारा टाइम ये करते रहते हैं, जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब भी बड़ा कुछ करते होंगे, सियासतदान सियासतदान ही होते हैं आपको पता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टेट, तो स्टेट तो मेरा ख्याल है करेगी, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है हाफिज सईद इज बिहाइंड द बार्स, इज ग्रुप इज कम्प्लीटली डिसमेंटल्ड एंड दे आर नॉट वर्किंग एनीवेयर, कहीं रेमिनेंट्स होंगे, वो जारी बात है, इतना बड़ा ग्रुप था, हजारों की तादाद में डिसमेंटल हो चुका है, अपने काम काज करें। लेकिन अगर आप ये कहते रहे कि नहीं मार दो मार दो मार करो, इस हर एक बंदे को पकड़ के अरेबियन सी में फेंको, फिर बात करेंगे, नहीं। चीमा साहब अभी क्लियर स्टेटमेंट आया ना जनरल नरवाने का, 250 से 400 लोग रेडी है, आप टेररिज्म को कंट्रोल कीजिए। वैसे वैसे आपने लखवी साहब को पहले जेल में डाला, सुना उनकी वहां
बच्चा बच्चा भी हुआ था, फैमिली की वृद्धि हुई थी। मतलब आपके जेल बड़े शानदार है, बड़े अजीम शान है, हमारे ऐसे जेल नहीं है साहब। तो इसलिए आपके जेल का परसेप्शन और हमारे जेल का परसेप्शन बहुत अलग है यहाँ पे, चलिए उस पर नहीं जाते। देखिए मैंने ये इसीलिए बोला ना, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। अगर इंटेंशन ठीक है, चीमा साहब आप भी, हम भी, दो तीन महीने वाला भी जनवरी चल रहा, मार्च अप्रैल में हमें पता लग जाएगा। अगर आपकी मंशा बिल्कुल क्लियर है, आपका इंटेंशन ये, 3 महीने में इट विल बी विजिबल ऑन द ग्राउंड। नहीं होगा, आप भी, हम भी फिर बात कर लेंगे। लेट्स होप व्हाटएवर हैपेंस दैट इज बेस्ट, गुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। और बाकी आई थिंक देयर मस्ट बी अ क्लैरिटी इन पाकिस्तान एंड देयर मस्ट बी अ क्लैरिटी इन इंडिया एज़ वेल।